हाउ टू गेट स्टार्टेड ऑन वो हो सकता है गाइडेंस कमिंग फॉर अभिषेक फॉर द कमिंग टेन डेज दिस वीक एटीन फेबर टू ट्वेंटी नाइन फेबर क्या कुछ होने की संभावना है ड्यर एंजल्स कैन वी प्लीज नो बर्म सन का कार्ड आया है लास्ट वीक आई थिंक ही हैच्यून इज फेवरिंग हिम तो वो सारी चीजें हो रही है किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स ऑल राइट आई थिंक come टू so I टू कम आउट सो आई विल्ड भी है और फिर कौन सा कार्ड आता है मून का कार्ड आ रहा है ओ right. यहाँ पे सन है यहाँ पे मून है ऐसा क्यों है भाई रो क्यों रहा है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स अगेन यहाँ पे शफल करते वक्त हमने ये देखा था उल्टा में अभी ये पॉजिटिव में है सो so, Nine of Cups. अपनी ड्रीम्स पे काम करता हुआ अभिषेक इस वीक है नाइन ऑफ कप्स इज अबाउट विश फुलफिलमेंट और इस पे क्या कर रहा है उसकी कोई ख्वाहिश है जिसपे वो मेहनत करने की सोच रहा है बेबी स्टेप्स ले रहा है ठीक है ऑल right. अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई यहां पे क्या हो रहा है एक तो सन का कार्ड है यहां पे ऑल राइट right. सन का कार्ड है और यहाँ पे है किंग किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है क्वीन ऑफ सोर्ड भी रिवर्स में है और फिर एक मून का कार्ड आ गया है अब इसका क्या मतलब होगा सन और मून दोनों तरह की एक्सपीरियंस हो रही है अभिषेक को आने वाले दस दिन में सनी साइड अप भी है और मुनी साइड डाउन भी है यानी कि किसी चीज की एक डैपी साइड भी है तो यहाँ पे तो डेफिनेटली वो अपने करियर पे कुछ विश फुलफिलमेंट है कुछ एक स्पेशल जैसे ड्रीम प्रोजेक्ट होता है ना वो है, वैसा कुछ होगा जिसपे वो एक्शन स्टेप लेने की कोशिश कर रहा है पॉजिटिव भी है ग्राउंडिंग वे में काम कर रहा है विच इज वेरी गुड क्योंकि अभिषेक की एनर्जी थोड़ी बहुत काफी बार हमने देखा है स्कैटर्ड रहती है बट द वेरी फैक्ट दैट इसका जो ये फिगर है इसका पैर ग्राउंड पे है आई एम गेटिंग टू टेल यू दैट बहुत ही अपनी ग्राउंडिंग करके अपनी एनर्जीज को साध के वो अपने फोकस को भी साध रहा है एक स्कैटर्ड एनर्जी को भी ग्राउंड कर रहा है अर्थिंग दे रहा है बैलेंस एनर्जी से अपने चीजों पे फोकस है कुछ ड्रीम है जो पाना चाह रहा है तो इस तरीके एनर्जी है इस तरह से माइंडसेट से वो अप्रोच करेगा आने वाले टू uh, तो विद दिस इज ही डूइंग ही इज इज स्टार्टिंग हैविंग अ ग्रेट स्टार्ट टू द नेक्स्ट टेन डेज बूम करके सन इज शाइनिंग मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पे वो अपने प्रोजेक्ट पे एक बेबी स्टेप्स लेके स्टार्ट करना चाहता है जो कि उसका ड्रीम प्रोजेक्ट भी है तो उसको काफी सन से क्लैरिटी मिल रही है कि ये कहां आगे में बढ़ना है तो क्लैरिटी मिल रही है आगे बढ़ रहा है ये चीज मुझे दिख रहा है क्यों क्योंकि जब आप, क्या करते हो? कि आप अपनी एनर्जी को साध लेते हो इंटेंशन सेट कर लेते हो फोकस को यू you नो know, एक तरफ पॉइंट कर देते हो तब क्या होता है कि उसका इंपैक्ट दिखने लगता है रोशनी सन की रोशनी में हमको रास्ते दिखने लगते हैं तो मुझे लग रहा है कि इस, इसकी पाथ इनलाइटन होगी ही विल बी शोन द वे टू मूव वेयर टू हिज ड्रीम्स ये सारी चीजें मुझे लग रही हैं। पर हालांकि यहां पे मून के फेस के साथ वो द वे दिस कार्ड इज क्राइंग जैसे कि उसको किसी चीज का बहुत दुख हो गया है ये क्यों दुख हो रहा है इसको? उसको दुख हो रहा है देखो इस वीक ना जैसे मनीषा की एनर्जी है तो उसके ऑलमोस्ट बहुत स्ट्रांग कार्ड्स हैं झलक दिखला जा जीतने के अब यहाँ पे क्या उसको कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जैसे रो रो जो रहा है ये जो मुनी फेस आया है इसका ये किस चीज पे रो रहा है ये एक तरह की दोस्ती पे बोल सकती हो बोल सकते हो तो या हो सकता है कि झलक दिख, दिखला जा जीतने के कारण उसे लग रहा है कि ये दोस्ती इम्पैक्ट हो जाएगी अब क्योंकि उसने कुछ किया भी था एज यू ऑल नो तो अब उसको इस बात पे दुख हो रहा है अब किस चीज पे दुख हो रहा है एक फ्रेंडशिप पे दुख हो रहा है एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड पर्सन राइट कि जो मुझे बता रहा था ना कि अगर ऐसा कुछ होता तो एनर्जी कार्ड्स में पता चल जाता तुम मेरे कार्ड्स को मुझे बताओगे कि कैसे पढ़ना है डोंट टीच मी माय ओन थिंग्स नो मेरी चीजों को देख के मुझे मत सिखाओ इससे भी ज्यादा ज्ञान मैं पेल सकती हूं यहां पर बैठे बैठे एनी मैंने क्या बोला था एम्पर की एनर्जी रिवर्स में है ऑब्सेसिव होके डिसीजन लेने से एम्पर इन रिवर्स के डिसीजन लेने से अपने डिसीजन पे अफसोस भी हो सकता है और यहाँ पे जो जिस तरह से ये रो रहा है ये मून और यहाँ पे दो लोग बने हुए हैं क्या ये अपनी दोस्ती पे रिग्रेट कर रहा है रो रहा है कि इसने जो डिसीजन लिया गलत हुआ क्योंकि हाउ इज इट पॉसिबल कि आप अपनी वीक को संडे से स्टार्ट करते हो सन से स्टार्ट स्टार्ट करते हो और यहाँ पे मून पे रो मानी कि बेसिकली आपको किसी चीज पे अफसोस हो रहा है ये यू आर क्राइंग ओवर सम रिलेशनशिप तो इस तरह के काम के काम करोगे तो अफसोस होगा ना और मैंने प्रिडिक्ट भी किया था कि ये बंदे ने हरबड़ी में आके ऑब्सेसिव थिंकिंग के, से आके इसने कुछ डिसीजन लिया है और एज अ एम्परि इन रिवर्स इसको अपने डिसीजन का अफसोस भी हो सकता है और यहाँ पे देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड नाउ दे आर एट लॉगर हेड्स ईच अदर दे आर नॉट सीइंग आई टू आई अब देखिए ये कार्ड का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कौन है यहाँ पे दो लोग हैं जो दोस्ती किए हुए हैं अब यहाँ पे एनर्जी किसकी है किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स हो गया है क्वीन ऑफ सोर्ड भी रिवर्स हो गई है यानी कि ये दो लोग ये दोनों लोग जो पहले दोस्त थे ना जो सोशल मीडिया पे एक दूसरे का पोस्ट लाइक करते थे राइट अभी भी पोस्ट लाइक करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये देख लो इनकी एनर्जी अब ये क्वीन ऑफ सोर ने तो तलवार निकाल लिया है अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स किंग ऑफ पेंटिकल्स भी उल्टा हो गया है और ये क्वीन भी उल्टी हो गई है अब नाउ दे आर नॉट सीइंग आई टू आई तो इस तरह की एनर्जी हो सकती है अभिषेक के लिए वो अपने ड्रीम्स पे प्रोजेक्ट पे स्टार्ट करता हुआ ये वीक पे तो जाएगा बहुत अच्छे से हर चीज अच्छा ही चल रहा है द वीक इज स्टार्टिंग एब्सोल्युटली ग्रेट नोट पे उसके लिए लेकिन जाते जाते बीच रास्ते में क्या हो रहा है क्वीन ऑफ सोड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दे आर नॉट सींग आई टू आई और उसके बाद क्या हो रहा है अभिषेक सन से मून में जा रहा है यानी कि उसको अपने कुछ रिलेशनशिप पे शायद यहाँ पे दोस्ती टूट रही है या फिर कुछ तो स्कर्मिश आ गया है तो यहाँ पे अफसोस हो रहा है चलो बढ़िया है वेरी गुड अब हम आगे देख लेंगे आगे बढ़ेंगे एक कार्ड हम दिखा देख लेंगे uh, क्योंकि ये तो तो अभिषेक अभिषेक का का ही तो का ही रीडिंग है कार्ड निकालेंगे ना कैन वी हैव वन कार्ड फॉर अभिषेक फॉर दिस कमिंग टेन डेज एंजल्स वी थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच बो वी आव द कार्ड सरेंडर टू पीस अब इसको बस शांति चाहिए कंपेरिजन टू अदर पीपल अपनी जर्नी को दूसरों से कंपेयर कर रहा है क्वाइट पॉसिबली ये मनीषा से कंपेरिजन हो सकता है जहां पर आई थिंक उसके तो बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं सुपर पॉजिटिव तो यहाँ पे कंपेरिजन दर्नी जर्नी भी हो रही है कंपेरिजन जर्नी किस से हो रही है किंग ऑफ पेंटिकल्स की क्वीन ऑफ सोर्ड से कंपेरिजन हो रहा है और यहाँ पे बिग टाइम किसी रिलेशनशिप के पे अफसोस भी हो रहा है सो इट इज वॉट इट इज चलो आगे बढ़ जाएंगे हम अभिषेक फॉर द कमिंग टेन डेज योर रीजल थैंक यूंरी मच दिस वॉन्ट्स टू शो अपना लग सकता है इट इज टाइम टू मूव ऑन किसी रिलेशनशिप से या जो भी है क्यों क्योंकि उसको बार बार मून फेज में जा रहा है ना किसी चीज को लेके इट्स टाइम टू लेट गो द ओल्ड एंड वॉर्न आउट सो दू कैन कम इन Moon phase move on. So this is the guidance coming for Abhishek for the coming ten days, eighteenth February to 29th February. Do let me know your thoughts on this guys and if you like the guidance please like, share, and subscribe. And I will see you in the next reading. Bye for now.